टीवी एक्ट्रेस दिव्या सेठ शाह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि दिव्या सेठ शाह की इकलौती बेटी मीका शाह का निधन हो गया है। ऐसे में दिव्या सेठ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिव्या सेठ शाह की बेटी मीका उम्र में काफ़ी कम थी और बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी। 5 अगस्त 2024 को उन्होंने उस दुनिया को अलविदा कह दिया। मीका के निधन से घर में मातम पसरा हुआ है। मीका की नानी एक्ट्रेस सुषमा सेठ का भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। आगामी 8 अगस्त 2024 को मीका शाह की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसका पोस्ट शेयर करने के बाद ही लोगों को इस दुखद खबर के बारे में पता चला। जानकारी के मुताबिक दिव्या सेठ शाह की बेटी मीका लंबे समय से बीमार थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 20 साल की मीका को बुखार के बाद दौरा पड़ा था। वहीं मीका के प्रार्थना सभा की पोस्ट में दिव्या सेठ और उनके पति सिद्धार्थ ने लिखा है, बहुत दुख के साथ हम अपनी प्यारी मीका शाह के निधन की घोषणा करते हैं। आपको बता दें, दिव्या ने 9 दिन पहले यानी 26 जुलाई 2024 को ही बेटी और मां के साथ एक फ़ोटो शेयर की थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, DNA ही एकमात्र वास्तविकता है और बाकी सब बहुत मेहनत का काम है, मदरशिप को धन्यवाद। मीका अपनी मां दिव्या सेठ और नानी सुषमा सेठ की तरह इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थी, उन्हें तो फोटोग्राफी का शौक था। उन्होंने आखिरी पोस्ट 5 मई 2024 को किया था, जिसमें वह अपनी नानी के साथ कुछ समय बिताते हुए नजर आ रही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे चैनल एप्स मीडिया के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।